गुजरात में जो आंदोलन चला रहे हैं वो सभी पूरे गुजरात के प्रतिनिधि संगठन एसपीजी सभी को नमस्तक वंदन करता हूं यहां बताने के लिए। हमारे इस आंदोलन के द्वारा पूरे गुजरात में एक संगठन शक्ति का उल्लास हुआ है, जहां पर इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से हम टूटे हुए थे। आज वो लोगों पाटीदार और करोड़ों पाटीदार एकजुट होकर अपनी ताकत लेकर बाहर आ गया है और इस संगठन शक्ति को देखकर आज कई सरकार के पैरों में पानी गर्म हो रहा है और वो देख रहे हैं कि इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं जानते हम सरदार के वंशज हैं, सरदार के हम बाप हैं, बेटे हैं, सरदार ने हमें खून पिसा है। हम जहां निकलते हैं वहीं पर क्रांति शुरू हो जाती है, जहां हम निकलते हैं वहीं इतिहास शुरू हो जाता है। हम जो आंदोलन लेकर निकले हैं वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह पूरी मैराथन दौड़ है और यह दौड़ का मतलब एंबिशन नहीं है। जिस दिन हम चलेंगे अयोध्या के साथ, जिस दिन हमारे साथ होगा श्री राम का वंशज, हम कहते हैं तो लवकुश, हम लवकुश के वंशज है, तो हमें वो ताकत होनी चाहिए कि 14 साल का वनवास हो तो फिर भी इस आंदोलन को हम समाप्त कर सके और तभी हम सफलता के मार्गों पर सही तौर से चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं बस तीनों से ही आंदोलन चला रहे हैं, कुछ पार्टियां कहती है भाई तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अगर एक आतंकवादी के लिए रहा तो 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, तो इस देश के भविष्य के इलाके के लिए नहीं। अगर 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोलती है उसके लिए मुकदमा चलता है, तो इस देश के युवा के लिए कोई मुकदमा नहीं चलता। इस देश के युवा के लिए बंधारण चेंज हो सकता है और इस देश के युवा इस देश का भविष्य है, ये देश का युवा इस देश का विकास करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक पटेल पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर सकता है तो हम तो 50 लाख है, 1.80 करोड़ है, पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज पूरे गुजरात में शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, आज पूरे गुजरात में 50 लाख लोग पार गए हैं और सिर्फ एक ही बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम देख रहे युवा में है, अगर दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। आप भी जानते हैं कि शुरुआत हुई तो कुछ बुजुर्गों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उन लोगों को पता चल गया है कि मेरे युवा है वो सच में इस हिंदुस्तान की तकलीफ को बदलने के लिए तैयार है और आज वही बुजुर्ग यहां पर बैठे और हमें सहकार दे रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास में है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई हो, अरे भाई हम कोई कांग्रेस या भाजपा से नहीं है, हम तो सरदार के वंशज पाटीदार खून हम में है और भाजपा कांग्रेस सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए रखती है, यही पाटीदार समाज को वर्षों तक यहां बीच में रखेगा, क्योंकि हम किसी खून के साथ गद्दारी नहीं करते, जो खून अपना है उसे बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई तुम्हारा आंदोलन तो कांग्रेस के द्वारा हुआ है, कुछ कांग्रेस ही बोल रहे हैं भाई तुम्हारा आंदोलन बीजेपी के द्वारा हुआ है। इन दोनों पर साथ मिलकर बात करें तो बोलते तुम लोग तो आम आदमी पार्टी से हो, अरे भाई हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता। हमने वर्षों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पर राज करेगा, वंदा कोई नहीं। अगर आराम से दोगे तो प्यार से अपना हक लेंगे, नहीं तो हमें छीन लेना आता है, साफ तौर पर धमकी दी यहाँ पर हार्दिक पटेल। बात हुई तो फिर से उगलेंगे वही कमल शानदार से आंख से, अगर इन लोगों के हृदय पर इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। हमारे एक मित्र कहते हैं
करे भाई अपने लोग हैं, अपने लोग के सामने आंदोलन छेड़ दिया। हमने कहा भाई अपने लोग हैं इसलिए तो छेड़ना पड़ रहा है, वरना छेड़ने ही नहीं निकलते। अपने इसलिए बाहर निकले, अपने ना होते तो किसी को बोलते भाई अपने तो है नहीं, कैसे बाहर निकले। अपने हैं इसलिए हक मानने निकले, प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना वरना। वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर, आवाज ओबामा तक पहुंचनी चाहिए। ओबामा बोलेगा मजबूती साहब दे दो इन पटेलों को। वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर, वोडाफोन वाले भी हमारे ज्यादा प्रचार करेंगे सालों में, हमारा भी ला लिया नाम पूरे हिंदुस्तान में। आज तक किसी समुदाय ने इस तरह से आंदोलन नहीं किया। हम सिर्फ गुजरात समेत नहीं है, याद रखो हम गुजरात में करोड़ सिख है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ हिंदू हैं हम, और इस 27 करोड़ की तादाद बहुत ज्यादा है।